इसके लिए साहब आज की जो हदीस है उसका मौजू है रोज़े कौसर और शफा। हजरत अंस रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात को जब मैं जन्नत की सैर कर रहा था तो मेरा गुजर एक नहर पर से हुआ जिसके दोनों तरफ जब यानी मोहदार मोती के गुंबद थे। मैंने पूछा जिब्राइल ये क्या है? उन्होंने कहा ये वो कौसर है जो आपके रब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है। मैंने देखा कि इसकी मट्टी नहायत खुशबूदार और खालिस मशक की है। दूसरी हदीस है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु तआला ने कहा कि सरकार अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे हौज़े कौसर की मुसाफत का एक महीना का रास्ता है, वो मुरब्बा है यानी इसके चारों कोने बराबर हैं, इसका पानी दूध से ज़्यादा सफेद और मशक से ज़्यादा खुशबूदार है, इसके पूरे चमक और ज़्यादती में आसमानों के सितारों की मिसल है, जो शख्स इसमें से पिएगा फिर कभी प्यासा ना होगा। कली से मूल बनने के सफ़र के लिए मुख्तसर अदारे ख्याल करेंगे। असद एजाज साहब वाडिकल फॉर सियालकोट। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज वैसे तो सीरत के हवाले से हमारी 47 नशिस्त है, लेकिन एक एतबार से ये पहली कोशिश है हमारी कि जिस मौजू पे हमने ये नशिस्तें शुरू की उस्वा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई, उसका अगर दायरा थोड़ा बड़ा करते हैं, उसकी पहली बुनियाद जो सीरत के लिए बनती है वो खुलफा राशिदीन है। वैसे तो सारे सुहाबा जो हैं वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता जो है हमारे लिए सितारों की मानिंद हैं, बाकी खुलफा राशिदीन का जो दौर है वो ख़ासतौर पर जो हमारे लिए एक बड़े दायरे में अंडरस्टैंड करने के लिए, जो नबी अकरम ने जिनको तरबियत दी और उनको दीन सिखाया और उन्होंने अपने दौर के अंदर सीरत से खिलाफत का जो सफ़र तय किया वो हमने निश्चित 3 दिन की डिसाइड की। और आप दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि आप इन नशितों में तशरीफ लाते हैं। तो कल इसकी दूसरी नशित है जो 5:30 बजे इंशाल्लाह होगी असर के बाद, इसका मौजू सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु है, और उसके बाद मगरिब के बाद सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु। आप अपने साथ अपने दोस्तों को भी लेके आइए। इसी तरह इतवार को जो है सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु पे है 10:30 बजे और 12 बजे सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु पे। इस कोशिश और काविश को करने का मकसद अपने मामला को बेहतर करें और दीन को उस असल स्पिरिट से समझने की कोशिश करें जो है असल में है। अभी जो हम बाज वक्त इंसान देखता है और बड़ा बाज वक्त परेशान होता है कि रंगन की डिवीजन हमारी मुआशर के अंदर, और एक लिहाज से हम कोशिश भी कर रहे हैं तमाम जितने भी पूरी उम्मत के अंदर मौजूद हैं उन सबको लाएँ और उनको इकट्ठे मिल बैठने का मौका पैदा करें। तलखियाँ ख़त्म तो नहीं कर सकते, अलबत्ता मोहब्बत बढ़ाने का और जो दीवारें बनी हैं उनको उनसे अभाव होने का सोच के आपस में एक कोऑर्डिनेशन रबते की शिकल ग्रहण की जाए और उम्मत जो एक पॉइंट अल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल आलमीन है वो बुनियाद हमारे लिए है कि हम लोग एक उम्मत है, उम्मत वाहदा है, जो क़यामत तक जिस उम्मत ने अल्लाह ताला की दीनी ज़िम्मेदारी को अदा करना है, क्योंकि अब किसी नबी ने नहीं तशरीफ लाना, खातमुन नबी दीन मुकम्मल करके दुनिया से तशरीफ ले गए, अब उम्मतियों ने वो जिम्मेदारी अदा करनी है जो क़यामत तक की इंसानियत की रहनुमाई के आवाज़ बनेगी। और उसी के सिलसिले में ये मुख्तलिफ कोशिशें होती रहती हैं और अभी ये पहली नशिस्त हमारी सैरोजा है, इसमें दुराज में दोबारा करूँगा कि आप ड्राइवर पर खुद भी तशरीफ आएँ और दोस्तों को भी अपने साथ लेके आएँ।
और अपने तौर पे भी अपने घर में भी इस तरह की खुशबू फैलाए अपने दोस्तों को इकट्ठा करके, और आई फील कि हमें थोड़ा तर्ज़े में बदलने की जरूरत है कि हमें हमें बोलने से ज़्यादा हमारे अमल से खुशबू आनी चाहिए कि हम सब की ज़िंदगी में कौन सा पहलू ऐसा है कि जिसको देख के मुआशरे में गवाही मिले कि हाँ ये वाकई अपने नबी से मोहब्बत करता है, अपने दीन के ऊपर ईमान रखता है, ये सच बोलता है, ये झूठ नहीं बोलता है, ये इसके मामला जो है गवाही में एक्शन स्पीक्स। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम जो कहते हैं वो करें और हमारे अमल से गवाही इस दीन की मिले और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की गवाही मिले और उनके जो साथी थे खुल्फ़ाए राशिदीन जिन्होंने इस दीन को कुल कायनात के ऊपर दीन को गालिब करने में हज़रत मुहम्मद का साथ दिया उनके हवाले से हम लोग सीखे भी और सिखलाए भी। अभी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, सफा आगे बढ़ाइए। सीरत नबी सीरत तैयबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूद का मुहातब होंगे जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मजहर मोइन साहब, الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا ورحمة للعالمين وعلى الأشرف المبشرين وأمهات المؤمنين وأولاد النبي الأمين وأصحابه الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، صدر المجلس، معزز خواتين وحضرات، ہمارا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعات مکہ و مدینہ ایک مختصر جائزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نسب مختصر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبدالمطلب، عبدالمطلب کا نام شیبہ بن حاشم بن عبد مناف بن حسین القریشی الحاشمی، اور آپ کی والدہ ہیں آمینہ بنت وہب بن عبد مناف جن کا تعلق مدینہ کے قبیلہ بنو زہرا سے ہے۔ آپ کے والد عبداللہ اپنے بھائیوں میں چھوٹے ہیں، 10 بیٹے تھے عبدالمطلب کے، اور آپ کا پیشہ جو ہے وہ تجارت کا، شام سے ایک سفر میں شام میں وہاں سے واپسی پر جب مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ بیمار تھے، لہٰذا اپنے ننہال ظاہر عبدالمطلب کا سسرال بھی تھا، حمزہ کی والدہ کا تعلق والدہ بنتے وہیب بن عبد مناف سیدہ آمینہ کی چچرزاد تھی اور بھی رشتہ داریاں تھیں، تو وہاں ٹھہرنے بیماری کی وجہ سے ایک مہینہ بیمار رہ کر مدینہ ہی میں انتقال کروایا، اور دار النادلہ جو کہ ان کے جو ننہالی رشتہ دار تھے ان کا گھر تھا وہیں پر آپ کی تدفین ہوئی، اور عبدالمطلب نے اپنے بیٹے حارث بن عبدالمطلب کو عبداللہ کی خبر کے لیے مدینہ بھیجا تو معلوم ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا اور ان کو یہی تدفین ان کی ہو گئی، تو عبدالمطلب کو شدید صدمہ ہوا، اور اس کے چند مہینے بعد والد کی وفات کے چند مہینے بعد سیدہ آمینہ کے بطن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبدالمطلب نے ان کا نام محمد رکھا جو کہ عربوں میں مانوس نہیں تھا، جس کا مطلب ہے تعریف کیا گیا، قابل تعریف۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ نام کیوں رکھا، تو انہوں نے کہا کہ میرا یہ پوتا میرا یہ بیٹا ہر لحاظ سے قابل تعریف ہوگا، اور احمد بھی آپ کا نام رکھا گیا۔ تو بہرحال جو کہ معروف باتیں ہیں، سب سے پہلے آپ کو جس نے دودھ پلایا وہ آپ کی والدہ ہیں سیدہ آمینہ، اس کے بعد صہیبہ سا با یا با ہار جو کہ ابو لہب آپ کے چچا ابو لہب کی کنیز تھی، انہوں نے آپ کو دودھ پلایا، اور حمزہ بن عبدالمطلب کو بھی دودھ پلایا، اور جو ابو سلمہ ہیں عبداللہ بن عبدالعصر ام المؤمنین کے سلمہ کے پہلے شوہر ان کو بھی، لہٰذا یہ تینوں رضائے بھائی ہیں۔ اس کے بعد عربوں کے دستور کے مطابق
मक्के में 10 औरतें आईं जो कि बच्चों की तलाश में थी, जिन्हें वो अरबों के दस्तूर के मुताबिक अपने सहरा में ले जाकर दूध भी पिलाएं और उनकी तरबियत भी करें। तो किसी ने सैयदा आमिना के बच्चे को कबूल ना किया क्योंकि वो यतीम थे। हत्ता कि अमीमा सादिया ने भी कहा कि यतीम उल्ला माल अलह, ये तो यतीम है इनके माल नहीं है, बेवा माँ क्या देगी। लेकिन इत्तेफाक से हलीमा सादिया को मक्का में कोई बच्चा ना मिला और उसने अपने शौहर से कहा कि खाली हाथ जाने से बेहतर है कि आमिना के यतीम बच्चे ही को ले लें। तो अबू ज़ुहैब हारिस उनके शौहर ने, जो कि बनुसार बिन बक्र से थे, इत्तेफाक किया और उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद ले लिया और उसके साथ जो मौजज़ात शुरू हुए उनमें से एक ये है कि हलीमा के छातियों में इतना दूध आया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैराब होकर पिया और उनके अपने बेटे अब्दुल्ला बिन हारिस ने भी पिया। फिर जिस गदी पर या जिस सवारी पर वो सवार थी हलीमा सादिया, बाकी खवातीन आगे निकल चुकी थी, लेकिन वो इतनी तेज़ रफ्तारी से चली कि उन खवातीन को वहाँ जा मिली और इसके बाद उनकी बकरियों ने ज़्यादा दूध देना शुरू किया और बहुत सारे दीगर ऐसे खारिक आदत वाकयात हुए जो कि दर हकीकत मौजज़ात नबवी अलैहिस्सलाम थे। और हलीमा सादिया को महसूस हो गया कि ये बच्चा बहुत ही बाबरकत है, लिहाजा 2 साल तक और फिर 4 साल की उम्र तक और रिवायात में आते हैं तफ़ालिक के साथ वगैरह कि फिर 5 साल की उम्र तक भी हलीमा सादिया ने आपकी परवरिश की और आपको दूध पिलाया। और अब्दुल्ला बिन हारिस शीमा बिन हारिस और उनकी बहन, ये आपके रज़ाई बहन भाई हैं। इसी दौरान में कुछ वाकयात ऐसे हुए जैसे दो फरिश्ते आए, उन्होंने आपका बकरे मुबारक जो है वो खोल कर अंदर से कोई चीज़ निकाली और इसके अलावा उसके अंदर कुछ भरा और ये वाकया देखकर वो बच्ची डर गई, शीमा जो इन्हें खिलाती थी हलीमा सादिया की बेटी, और उसने आकर माँ से कहा कि भाई को किसी ने ज़िबा कर दिया। चुनाचे जब आए तो वो सही सलामत थे, फरिश्ते अपना काम करके जा चुके थे। अब इसकी तशरीहात कागजात क्या है, ये अल्लाह की तरफ से जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खुसूसी निगहदाश्त थी उसी का एक हिस्सा था। और फिर एक यहूदियों का और ईसाइयों का बहरहाल इसमें कुछ इख्तलाफ है, काफ़ी लोग गुजरे और उन्होंने इस बच्चे को देखा तो उन्होंने पहचान लिया कि ये तो बच्चा वही लगता है जिसका आखिरी नबी के तौर पर जिक्र है। और उन्होंने हलीमा सादिया से पूछा कि ये बच्चा कौन है, क्या ये बच्चा यतीम है? तो उसने कहा कि मैं उसकी माँ हूँ और वो उसका बाप है। तो उसने कहा कि अगर ये बच्चा यतीम होता तो आज हम इसे कत्ल कर देते। तो जहाँ नबी अलैहिस्सलाम का इंतज़ार तौरात और ज़बूर में और इंजील में हो रहा था, वहीं यहूद और नसारा में से एक तबके की दुश्मनी इतनी बड़ी हुई थी कि वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि बनी इसराइल से बाहर कोई नबी पैदा हो और वो नबी आखिरुज़्ज़मान हो। चुनाचे हलीमा सादिया को खौफ तारी हुआ और उन्होंने सैयदा आमिना को जाकर बच्चा लौटा दिया कि अब मैं इसकी हिफाजत का जिम्मा नहीं ले सकती। और उस वक्त जाहिर है वो कुछ बड़े भी हो गए थे। तो सैयदा आमिना इस बच्चे को लेकर मदीना मुनव्वरा अपने जो लोग थे रिश्तेदार, अपने वालिदैन का ख़ानदान, उनसे मिलने गई और अपने शौहर अब्दुल्ला की ज़ियारत के लिए गई। तो वहाँ से वापसी पर अबवा के मुकाम पर जो मक्का मदीना के दरमियान है पहाड़ों के अंदर, वहाँ उनका इंतकाल हो गया। तो उम्मे ऐमन जो है उन्होंने कुछ लोगों की मदद से उनकी तकफीन की। उम्मे ऐमन जनाब अब्दुल्ला की कनीज थी और विरासत में मिली थी सैयदा आमिना को। अब उम्मे ऐमन ही नबी अलैहिस्सलाम को लेकर फिर मक्का आई। एक बच्चा देख रहा है कि माँ बोलती नहीं है और उम्मे ऐमन भी जवाब नहीं देती कि माँ को क्या हुआ। उस वक्त उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था, लेकिन बहुत बाद में जब मदीना में उस वक्त आपकी उम्र जो है वो 54-55 साल होगी, तो एक दफ़ा बहुत सारे सहाबाए किराम के साथ सैकड़ों की तादाद थी या बहर जितनी भी थी, तो आप गुजरे तो आपने कहा कि यहाँ रुक जाओ और कहा कि मैं अपनी माँ की कब्र की ज़्यारत करना चाहता हूँ। और वहाँ जाकर वो रोने लगे और कब्र की मंडी को उन्होंने दुरुस्त किया और उसके साथ ही उन्होंने सहाबाए किराम ने भी रोना शुरू कर दिया। तो माँ की मोहब्बत 50 साल के बाद भी माँ माँ होती है, चाहे वो 100 साल का हो जाए। तो आपने सहाबाए किराम को भी रुलाया और ख़ुद भी रोने लगे। तो सैयदा आमिना की वफात के बाद उम्मे ऐमन को नबी अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि
هي امي بعد امي یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے اور مکہ میں دل جیسا مشہور واقعات ہیں ابھی آپ 6 سال کے تھے کہ سیدہ آمینہ کا رستے ہی میں ابواب انتقال ہوا پھر 2 سال تک جناب عبد المطلب جو ہیں انہوں نے آپ کی نگرانی کی اور اس کے بعد زبیر بن عبد المطلب جو ہیں وہ رئیس بنی ہاشم بنے بعد میں وہ جوانی میں انتقال کر گئے تھے اور پھر جناب ابو طالب جو ہیں وہ رئیس بنی ہاشم بنے تو یہ بات عام طور پہ سامنے نہیں آتی لیکن الوداعی اور نہایا دیگر کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پھر زبیر بن عبد المطلب اور ابو طالب نے آپ کی کفالت کی اور یہی زبیر بن عبد المطلب ہیں جب 8 سال کے بعد عبد المطلب کا انتقال ہو گیا تو زبیر بن عبد المطلب ہی اور دیگر چچا حرب الفجار جو کہ ایک لڑائی ہوئی جس میں قریش بھی شامل تھے اور دوسرے قبیلے بھی اور قریش برحق تھے اس موقع پر نبی علیہ السلام نے اس حرب الفجار میں شرکت کی لیکن آپ نے باقاعدہ حصہ نہیں لیا بس تیر اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دیتے تھے اور اسی سال میں جب کہ آپ کی عمر 20 سال کی تھی چند مہینے بعد حلف الفضول بنو ہاشم بنو زہرہ اور بنو عدی انہوں نے ایک معاہدہ کیا کہ ہم غریبوں کی مدد کریں گے ظالم کا تدارک کریں گے مظلوم کی اعانت کریں گے اور اس طرح کی اس کی شکیں تھیں تو نبی علیہ السلام زبیر بن عبد المطلب بھی اس وقت جو ہے وہ بڑے چچا تھے آپ کے تو آپ بعد میں بھی فرماتے تھے کہ اگر مجھے اس معاہدے کے بدلے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں وہ قبول نہ کرتا اور اگر آج بھی ایسا کوئی معاہدہ ہو جس میں اس طرح کی چیزیں ہوں تو میں آج بھی اس کے لیے تیار ہوں چنانچہ حرب الفجار اور حلف الفضول یہ 2 واقعات ہیں آپ کی زندگی کے جو کہ تقریباً 20 سال کی عمر میں پیش آئے اور آپ کے چچا بھی اور قریش اور بنو ہاشم جو ہے وہ اس میں شریک تھے اس کے بعد آپ نے بھیڑ بکریاں بھی چرائیں لیکن آپ کا اصل پیشہ تجارت ہے اور یہ جو تجارت ہے اس میں 12 سال کی عمر میں جب تھے تو جناب ابو طالب کے ہمراہ ایک مشہور روایت ہے کہ آپ شام گئے اور بصرہ الگ ہے وہ عمر فاروق کے زمانے میں چھاؤنی بنی بصرہ جو کہ شام کے اندر ہے با سواد را یا وہاں پر ایک واقعہ ہے کہ جو بحیرہ یا بحیرہ راہب ہے اگر جس میں جو ہے وہ اختلاف کی ہے کہ کیا ایسا واقعہ جو ہے اس کی تفصیل کیا ہے لیکن اس نے آپ کی نشانیاں دیکھ کر کہا کہ یہ بچہ جو ہے یہ نبی ہے اور اس کو یہیں سے واپس لے جاؤ ورنہ یہ کہ شام کے نصارہ یا یہود خاص طور پہ یہود اس بچے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ان کو وہیں سے واپس کر دیا گیا لیکن دوسری مرتبہ آپ جو ہیں شام مال تجارت لے کر گئے ہیں خدیجہ الکبریٰ کا اور اس وقت آپ کی عمر جو ہے وہ 20 اور 25 سال کے درمیان تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزہ قریش کے قبیلہ بنی اسد کی ایک عظیم الشان خاتون تھی جو کہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی پہلے شوہر ابو حالہ تمیمی سے ان کے 2 بچے تھے حالہ اور ہند اور دوسرے شوہر عتیق بن عائض مخزومی سے ان کا ایک بچہ تھا اور بڑے بڑے قریش کے رؤسا نے ان سے شادی کے لیے پیغام بھیجے لیکن انہوں نے جب اپنے غلام میسرہ سے سفر شام کا حال سنا اور نبی علیہ السلام کی وجاہت آپ کی امانت دیانت صداقت شرافت نجابت ان تمام کی تعریف جس سے وہ پہلے ہی واقف تھی انہوں نے آ کر کی تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شادی ہو چنانچہ انہوں نے اپنی ایک سہیلی نفیسہ بنت منیا سے ذکر کیا نفیسہ نے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہ آپ 25 سال کے تھے کہا کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے تو انہوں نے کہا کہ میرے حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں شادی کروں تو انہوں نے کہا اگر کوئی ایسی عورت مل جائے طبقات ابن سعد سیرت ابن ہشام میں تفصیل ہے زرقانی میں کہ جو کہ مال جمال نجابت شرافت ہر لحاظ سے جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہو تو انہوں نے کہا ومن فمن ہیا تو ایسی عورت کون ہے وہ کہاں ملے گی تو انہوں نے کہا خدیجہ بنت خویلد تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کریں بڑے بڑے رشتے ان کو آ رہے ہیں تو نفیسہ نے کہا علی ذالک یہ میرے ذمہ ہے چنانچہ
उन्होंने जाकर खदीजा बिन खुवैलिद से बात की, वो 40 साल की थी मशहूर रिवायत के मुताबिक, आप 25 साल के थे। चुनाचे खदीजा बिन खुवैलिद ने अपने चचा अम्र बिन असद के ज़रिए एक रोज़ बुलाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके चचाओं को, और अम्र बिन असद ने बतौर वकील के और बतौर वली के उनका निकाह जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिया। इसके बाद सैयदा खदीजा के बदन से कम 2 बेटे और 4 बेटियां पैदा हुईं। कासिम, तरतीब के लिहाज से देखें तो इसमें इख्तलाफ है तरतीब में, लेकिन तमाम रिवायात को जमा करें तो ज़्यादा जो आप तरजीह दे सकते हैं, पहले कासिम, फिर ज़ैनब, फिर रुकैया, फिर उम्मे कुलसूम, फिर फातिमा, फिर जो अब्दुल्ला हैं जिन्हें ताहिर तैयब भी कहा जाता है, रिजवानुल्लाह अलैहि मजमाइन। और दूसरी रिवायत बताती है तबकात इब्ने साद ने, जो कि सलमा मौला तो सफिया बिनती अब्दुल मुत्तलिब की बेटी हैं, सफिया फूफी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी जो कनीज है सलमा वही काबिला होती थी, दाया होती थी खदीजतुल कुबरा के तमाम बच्चों की। वही और सफिया जो है वो खदीजतुल कुबरा के भाई अवाम बिन खुवैलिद की जौजा है, जुबैर बिन अवाम की वालिदा है, और उनके दोनों तरफ से खदीजतुल कुबरा की तरफ से और नबी अलैहिस्सलाम के सफिया बिनत अब्दुल मुत्तलिब होने की वजह से कई रिश्ते हैं। तो वो बयान करती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के खदीजतुल कुबरा से तमाम बच्चों के दरमियान एक एक साल का फासला था, और वो जो तरतीब बताती हैं उसमें भी तकरीबन यही तरतीब है सिवाय इस इख्तलाफ के फातिमा पहले पैदा हुई या उम्मे कुलसूम, लेकिन दीगर रिवायात बताती हैं कि उम्मे कुलसूम सैयदा फातिमा से कुछ बड़ी हैं। तो अगर हम इस हिसाब को लगाएं जो कि तबकात इब्ने साद वगैरह में खुद सलमा मौलात सफिया का बयान है, तो अंदाजन कहा जा सकता है कि शादी के एक साल बाद, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 26 साल थी, कासिम जिनकी वजह से अबुल कासिम आपकी कुनियत है, बचपन ही में इंतकाल हो गया, फिर सैयदा ज़ैनब है जिनका शादी आपने अबुल आस बिन रबी सैयदा खदीजा के भांजे से की और सैयदा खदीजा के कहने पर की, और खदीजतुल कुबरा उनको वकालत तअद्दु को बिमंजिलत वलदेहा, वो उनको अपने बेटे की तरह जो है वो उसके मुकाम में रखती थी, क्योंकि अपने बेटे बाद में इंतकाल कर गए बचपन ही में। और अबुल आस का तारीफ जो है वो सीरत इब्न हिशाम में है, वकान युस्मी अलैही फी सिहरी खैरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबुल आस की दामादी की तारीफ किया करते थे, बाद में शेबे अबी तालिब में भी, ये चूँकि बाद में मुसलमान हुए तो यही गल्ला और खजूरें और कसरत के साथ अपने ये रिश्तेदारों की मदद करते थे। तो बहरहाल सैयदा रुकैया जो है उनका और उम्मे कुलसूम का की निकाह या शादी जो है वो बिला रुखसती उत्बा बिन और उतैबा अबू लहब के बेटों से हुई, लेकिन जब तब्बत यदा अबू लहब बिन मतब नाजिल हुई तो उस मौके पर अपने बाप के कहने पर दोनों बेटों ने बिला रुखसती तलाक दे दी, तो सैयदना उस्मान गनी ने शादी की, फिर 2 हिजरी में सैयदा रुकैया का इंतकाल हुआ मदीना में, तो सैयदा उम्मे कुलसूम से शादी हुई, और मक्का में ये हसीन व जमील जोड़ा जो था इसके बारे में बाज़ औरतों ने शेर कहे इब्ने कसीर वगैरह में, वासन ज़ौज राह इंसान रुकैयत व ज़ौजुहा उस्मान, हसीन तरीन जोड़ा जो किसी आँख ने देखा है वो रुकैया और उनके शौहर उस्मान है, और सैयदा फातिमा का निकाह जो है और शादी वो मदीना में 2 हिजरी में या इसके करीब जो है वो अली मुर्तज़ा से हुई। तो दोनों बेटे आपके बचपन ही में इंतकाल कर गए, और चारों बेटियां जो हैं इन्होंने बहरहाल इनकी शादियां हुई और इनसे औलाद भी हुई, जिसकी तफसील का मौका इस वक्त नहीं है, जब आगे खुलफाए राशिदीन थे वो बात होगी तो उसमें तफसील आ सकती है। मुख्तसर हम कह सकते हैं कि आपके इन बेटियों से सैयदा ज़ैनब से अली बिन अबी लास जो कि यरमूक में रजब 15 हिजरी में शहीद हुए जंगे यरमूक में, और उमामा बिनत अबी लास जो नमाज में आपके कंधों पे चढ़ जाती थी, और उनसे फिर सैयदा फातिमा की वसीयत के मुताबिक अली मुर्तज़ा ने शादी की, और उन्होंने अपने जो खालाजाद हैं उनकी परवरिश की, हसन हुसैन ज़ैनब उम्मे कुलसूम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की, और अब्दुल्ला बिन उस्मान, और फिर इसके अलावा हसन हुसैन ज़ैनब उम्मे कुलसूम ये उनकी औलाद हैं। तो मक्का में 25 साल की उम्र से 40 साल की उम्र तक
आपकी तमाम औलाद पैदा हो चुकी थी और बास जो है वो जवान हो चुकी थी, अगरचे बास के ख्याल में एक आध बच्चा जो है सैयदा फातिमा या जो दूसरे हैं अब्दुल्ला ये बाद में पैदा हुए। बहरहाल ये इख्तलाफ़ रिवायात है, लेकिन अभी जो सलमा मौलाद सफिया का बयान है उसको अगर तरजीह दी जाए तो ये एक एक साल का फ़र्क है। अब वक्त गुजरने के साथ साथ आपका दिल इबादत और रियाजत की तरफ ज़्यादा मायल होता चला गया और आप गारे हिरा में जाकर इबादत किया करते थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, सही बुखारी बाब बदल भाई अव्वल मा बुदिया बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अल्वाही अरुया सालिहतु फिन नौम, सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस चीज़ के साथ इब्तिदा की गई वो नींद की हालत में सच्चे ख्वाब थे। वकाना ला यरा रुया इल्ला जात मिसल फलकिस सुब, आप जो भी ख्वाब देखते तो वो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह उसकी ताबीर सामने आ जाती। सुम्मा हुबे बाइलैहिल खला वकाना यहलुबे फी गारे हिरा, और फिर आपको तन्हाई से मोहब्बत हो गई और आप गारे हिरा में खलत नशीन होते थे। यतज़व्वदुलिज़ालिक, और उसके लिए घर से कई दिन का सामान जो है खाने पीने का ले जाते थे। इसी हालत में थे कि एक रोज़ जबकि आपकी उम्र 40 साल हो चुकी थी तो इस जा हत्ता जाहुल मलक, यहाँ तक कि फरिश्ता आपके पास आया। वकाला इकरा, और उसने कहा पढ़िए। आपने कहा माना वे कारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। उसने आपको ज़ोर से कहते हैं कि फ़कत्ता नहीं हत्ता बलगा मिन्नी जोहदा सुम्मा अरसलनी, उसने मुझे पकड़कर इतने ज़ोर से भेजा कि मेरा दम घुटने लगा, फिर उसने मुझे छोड़ दिया। तो तीन मरतबा ऐसा हुआ। उसने कहा इकरा, मैंने कहा माना वे कारी, तो फिर ऐसा ही हुआ। और फिर तीसरी दफ़ा इकरा, मैंने कहा माना वे कारी, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं पढ़ना नहीं जानता। तो तीन मरतबा उसने इसी तरह गले लगाया और दबाया और उसके बाद छोड़ दिया। उसके बाद कहा इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक खलक अलइंसान मिन अलक इकरा वरब्बुक अलअकरमुल्लज़ी अल्लमा बिलकलम अल्लमा अलइंसान मा लम यअलम, पाँच आयात सूरह अलक की पढ़िए। अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को, जमे हुए खून से पैदा किए, पढ़िए। और अपना आपका रब बड़ा करम फरमाने वाला है जिसने कलम के जरिए तालीम दी इंसान को, वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। इसके बाद कुछ अरसे के लिए जो है फतरतुल वाही यानी वाही की बंदिश हो गई। अगरचे इसके बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं लेकिन 2 से 3 साल भी है, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है जो मुख्तलिफ किताबों में कि बहरहाल कुछ अरसे के लिए वाही का सिलसिला बंद हो गया। और फिर एक रोज़ आपने ज़मीन और आसमान के दरमियान उसी फरिश्ते को बैठे हुए एक कुर्सी पर देखा जब आप बाज़ार में जा रहे थे, तो आपको फिर वो अजीब लगा। इससे पहला जो वाक़या है जब आपने ये गारे हिरा के वाक़या के बाद आप घर तशरीफ लाए और आपने कहा ज़म्मेलूनी ज़म्मेलूनी, मुझे कपड़ा उड़ाओ मुझे कपड़ा उड़ाओ, जब आपके थोड़ी सी जो है वो जो एक गैर मामूली वाक़े से कैफियत थी वो दूर हुई, तो आपने खदीजा से कहा कि लक़द ख़शीत वाला नफ़्सी, बुखारी के अल्फाज हैं, मुझे अपनी जान के बारे में ख़तरा है। तो उन्होंने कहा कल्ला वल्लाहि मा युख्ज़ी कल्ला अबदा इन्नक लतसिलुर रहिमा वतक़्रि दैफा वतहमिलुल कल्ला वतक्सिबुल मादूमा वतोइन वाला नवाज बिल हक़, बात जगह है वतस्तुकुल हदीसा। उन्होंने कहा हरगिज़ नहीं, अल्लाह आपको कभी भी नीचा नहीं होने देगा, क्योंकि आप जो है सिला रहमी करते हैं, रिश्तेदारों से ताल्लुक़ जोड़ते हैं और मेहमान की इज्जत अफजाई करते हैं और नातवा का बोझ उठाते हैं और मुफलिस को कमा कर देते हैं और वो जो बरहक मसाइब हैं उनमें लोगों की मदद करते हैं। और दीगर रिवायात में कि आप हमेशा सच्ची बात कहते हैं। फिर वो आपको वरका बिन नौफल के पास ले गई, अगरचे खदीजत कुबरा को भी शक नहीं था और नबी अलैहिस्सलाम को भी मालूम था कि ये नबूवत है, लेकिन उसकी तस्दीकें मजीद कर दी वरका बिन नौफल ने, जो कि खदीजतुल कुबरा के चचाजात थे। और वो वकाना इमरान कद तनसरा फिल जाहिलियत, वो एक ऐसे शख्स थे जो कि जाहिलियत में नसरानी हो चुके थे और वो इंजील इब्रानी जबान में जितनी अल्लाह चाहता लिखते थे और उनकी नज़र भी अब जो है तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा इस्मा मिन अबनी अखीक, अपने भतीजे की बात सुनो। तो उन्होंने कहा यबना अखी माजा तरा, भतीजे तुझे क्या मसला है, क्या नज़र आता है? तो आपने फरमाया जो कुछ बताया, जो कुछ बार में पेश आया था, तो वरक़ा बिन नौफल ने तस्दीक की हाज़र नामूस अल्लज़ी नज़ल अल्लाहु अला मूसा या लैतनी फीहा जज़ान या लैतनी अकूनु हय्यन इज़ युख़रिजुका क़ौमुक,
تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی ناموس فرشتہ ہے جبریل جو کہ اللہ نے موسیٰ پر نازل کیا. کاش میں اس موقع پر جوان ہوتا، کاش میں اس موقع پر طاقتور ہوتا، زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. تو انہوں نے فرمایا کہ کیا میری قوم مجھے نکال دینے والی ہے؟ تو انہوں نے کہا لم یاتی احد مثل ما جئت به الا اودیا، کہ جو کوئی بھی وہ کلام لے کر آیا یا وہ نبوت لے کر آیا جو آپ لے کر آئے ہیں تو اس سے دشمنی بڑھتی گئی. پھر تھوڑا وقت گزرا ثم لم ینشب انتوفیا ورقت وفطر الوائی، تو پھر وائی کا سلسلہ جو ہے عارضی طور پہ بند ہو گیا اور ورقہ جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ بھی تصدیق کر گئے. چنانچہ آپ نے خفیہ طور پر اب دعوت و تبلیغ شروع کی اور اس کے نتیجے میں سب سے پہلے خدیجہ الکبریٰ اور آپ کی صاحبزادیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں جو خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے تھیں وہ ایمان لائیں، اور اس کے ساتھ ہی مردوں میں سے جیسا مشہور ہے ابو بکر صدیق اور زید بن حارثہ جو ہیں وہ آزاد کردہ غلاموں میں سے، اور جو علی مرتضیٰ ہیں وہ بچوں میں سے. تو اس طرح پھر ابو بکر صدیق کی کوششوں سے عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن الجراح، عثمان بن مظعون، سعید بن زید اور دیگر بہت سارے جن کو آپ اشرف مبشرہ کہتے ہیں سوائے علی مرتضیٰ اور عمر فاروق کے، عمر فاروق مسلمان ہوئے اپنے بہنوئی اور بہن کے مسلمان ہونے کے بعد، اور سعید بن زید جو بہنوئی ہیں چچزاد کے ان کو مسلمان کرنے والے بھی ابو بکر صدیق ہیں. تو خاموشی سے تبلیغ ہوتی گئی یہاں تک کہ حرکت بن ابی ارقم اور دیگر 40 تک مشہور روایت کے مطابق اگر پہنچ گیا کہ جو مسلمان ہوئے عمر فاروق کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ 40 تک جا پہنچی. اس میں کچھ اختلاف یہ بھی نہیں 40 نہیں اس سے کچھ زیادہ تھے. تو 12 سال تک پہلی بھائی کے حضور کے بعد، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ دوسری جو بھائی آئی سورۃ المدثر کی آیات کیا ہے المدثر خود فان سے برکت کا فقر تھے وسیع کا اور قیامت کے حوالے سے، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اور اپنے کپڑوں کو پاکیزہ رکھیے، اور ناپاکی سے دور رہیے، اور کسی پر احسان اس لیے نہ کیجیے کہ اس سے جو ہے وہ زیادہ آپ توقع رکھیں، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے. تو یہ سورہ مدثر اور سورہ علق کے درمیان کتنا فاصلہ ہے اس بارے میں کچھ روایات کا اختلاف ہے، لیکن بہرحال 40 لوگ مسلمان ہوئے، اور ان میں جب حمزہ بن عبد المطلب اور عمر فاروق مسلمان ہوئے تو اسلام آشکار ہوا اور علی الحدان جو ہے جا کر خانہ کعبہ میں عبادت شروع کی. تو یہ لمبی تفصیلات ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جب یہ آیات اتری ہے سورہ مدثر کی اور پھر آئے تو قریبان سے راشین اور اکل اقرابین اپنے قریبی رشتہ داروں قبیلوں کو جو ہے وہ خدا کا خوف دلائیے، تو آپ کی کوئی سوار سے چڑھ کے کوئی جو مشہور روایت ہے کہ اگر میں کہوں کہ ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے تو میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ انت صادق امین، ہم نے کبھی آپ کو جو ہے غلط بات کہتے نہیں سنا. تو انہوں نے پھر کہا کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور یہ کہ یہ شرک سے ڈراتا ہوں، تو کسی نے بھی وہ دعوت قبول نہیں کی. اور ابو لہب نے یہاں کہا کہ کب پر لگا تیرے لیے تباہی ہو، کیا اس لیے تو نے مجھے جمع ہمیں جمع کیا؟ تو اس پہ نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا وہ پوری جو سورہ ہے. تو ایک علی بن ابی طالب نے کھڑے ہو کے کہا کہ اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، میری آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا. تو اس طرح لوگ بڑھتے چلے گئے، اور پھر جو امیر لوگ تھے یا باثر لوگ تھے ان کے لیے تو زیادہ مسئلہ نہیں تھا اگر جو انہیں بھی تکلیفیں دی گئیں. ابو بکر صدیق اور طلحہ بن عبید اللہ کو ایک ہی رسی میں ان کا چچا باندھتا تھا، رشتہ دار بھی تھے، اس لیے ان کو قرینان کہا گیا، دو ساتھی جو رسیوں میں بندھے ہوتے تھے. عثمان غنی کو بھی ان کے چچا نے رسیوں سے باندھ کر شدید تکلیفیں دی، لیکن جب ان کی استقامت دیکھی تو پھر چھوڑ دیا. اسی طرح باقی بھی تکلیف اور اذیت سے بچا ہوا کوئی بھی نہیں تھا. آپ اس معاشرے توحید کا اعلان کریں تو دیکھیں کتنے بچ کے جاتے ہیں. تو اس معاشرے میں توحید کا اعلان کرنا، لیکن جو بلال حبشی، صہیب رومی، حبا بن عرق اور سمیہ، یاسر، عمار بن یاسر، زمیر ابو جہل کی جو کنیز ہے، ان پر تو وہ ستم توڑے گئے، سب معروف ہے کہ بلال حبشی جو ہے وہ انگاروں پہ انہیں مٹایا، یہ پتھر تفریح ریت پہ
और फब्बाद बिन अरक को अंगारों के रिटार्डिंग जो है अंगारे रूप की वजह से पूछते थे, तो ये सारे जो है मसाइल गरीबों के आए। और अबू बकर सिद्दीक ने गौसों को, गुलामों को, बिलाल को भी, बाकियों को आज़ाद किया, और इस तरह जो जिससे हो सकता था भारत एक जमात बनती चली गई। लेकिन जब जुल्म सितम बहुत ज़्यादा हो गया तो पाँच नबवी में, बेशक नबवी के पाँचवें साल, नबी अलैहिस्सलाम ने हबशा की हिजरत का हुक्म दिया, तो उस्मानी गनी और रुकैया, सैयदा रुकैया बिन्त रसूलुल्लाह और उनके साथ 11 मर्द और 4 औरतें को जो है इन्होंने हबशा को हिजरत की। और इसके बाद रमज़ान में पता चला कि मक्के वाले मुसलमान हो गए, गलत खबर फैल गई, तो वो लोग वापस आए। लेकिन शवाल में वापस आए तो मक्के के पास आके मालूम हुआ कि खबर गलत थी। 12-13 दफ़ा कहते हैं कि वो 83 मर्द और 18 औरतें, कुल तादाद 101, इन्होंने हिजरत की। तो उस्मान गनी जो है अपनी जौजा के साथ, और इसके अलावा उस्मान बिन मज़ून जो कभी जाफर बिन अबी तालिब करीब फहरिस्त है, वो हबशा में रहे। और फिर जो वाक़ात हुए उनमें जब जुल्म सितम की इंतहा हो गई तो आखिर में 60 नबवी के करीब आपका भाई कॉट मुकाता कर दिया गया कि बनू हाशिम से ना कोई रिश्तेदारी करेगा, ना लड़की लेगा, ना लड़की देगा, ना उनसे कोई मौसमी मेल जोल रखेगा, और ना ही उनके साथ जो है वो किसी किस्म का ताल्लुक रखेगा। तो जनाब अबू तालिब अपने ख़ानदान को लेकर शेख अबी तालिब भी चले गए जो कि उनकी थी, और इस मुश्किल दौर में उन्होंने 2-3 साल मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक गुजारे। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने एक रोज़ अबू तालिब से कहा कि मुझे अल्लाह ने इत्तला दी है कि इन्होंने जो हमारे मुआशरती मुफादे का सहीफा लिख कर मोहरें लगा कर चौके काबा में, काबा के अंदर रखा था, उसको सारे को एक कीड़े ने चाट लिया है, तो दीमक चाट के सिवाय जिसने कल्ला हुमा अल्लाह के नाम से थे। चुनाचे अबू तालिब ने जाकर उनको जमा किया काबा में और कहा कि देखो मेरे भतीजे ने ये बात कही है, अगर उसकी बात सच्ची हुई तो तुम हमें सताने से बाज आ जाओगे, और अगर उसकी बात सच्ची ना हुई, मुझे यकीन है कि सच्ची होगी, तो मैं भतीजे को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, फिर तुम जानो और वो जाने कि उसे जिंदा रखना है या नहीं रखना है। चुनाचे उन्होंने वो जौके काबा से निकाला सहीफा तो सारा दीमक चाट चुकी थी, तो ये भी मौजज़ा था और अल्लाह की तरफ से इत्तला थी। उसके बाद फिर शेबे अभी तारीफ से आप लोगों का मुफाता खत्म हुआ, और अब तकरीबन 9 या 10 साल था, इसी 10वें नबूवत के साल में पहले जनाब अबू तालिब का इंतकाल हो गया, और मुख्तलिफ रिवायात की रूह से चंद हफ्तों के बाद, एक महीना कुछ दिन या बाज है कि चंद दिन, बाद और भी इख्तलाफात है रिवायात के, लेकिन जनाब अबू तालिब और फिर रमज़ान 10 नबवी में खदीजतुल कुबरा का मशहूर रिवायत के मुताबिक इंतकाल हुआ, और इस साल को आमुल हुज़्न करार दिया गया, गम का साल। नबी अलैहिस्सलाम के दोनों जो दुनियावी सहारे थे, जो सबसे ज़्यादा सहारे थे, वो छिन गए, और उसके बाद आपके ऊपर भी जुल्म सितम की इंतहा ज़्यादा हो गई। इसी हालत में आपने सफ़र किया ताइफ का, जहाँ आपको जो है वो पत्थरों की बारिश की गई और आपके जूते खून से भर गए, और आपने बड़ी मुश्किल से वहाँ से गैर वापसी का रास्ता इख्तियार किया, लेकिन बदुआ नहीं की अपने साथियों के कहने के बावजूद। उन्होंने कहा मुझे उम्मीद है कि इन्हीं में से जो है अल्लाह हिदायत देगा लोगों को। और मक्का में दाखिल होने से पहले उन्होंने मुतिम बिन अली को पैगाम भेजा कि मैं तुम्हारी पनाह में आना चाहता हूँ। मुख्तलिफ मराए हैं, आज हम समझते हैं इस्लाम ऐसे ही आ गया, गैर मुस्लिम जो थे उनसे भी अल्लाह ने काम लिया, जो नबी अलैहिस्सलाम के शदीद दुश्मन नहीं थे उनसे भी नबी अलैहिस्सलाम ने काम लिया। और मुतिम बिन अली अगरचे नॉन गैर मुस्लिम था, लेकिन उसने कहा कि मुझे मंजूर है, उसने काबा में जाके ऐलान किया अपने बच्चों के साथ कि कद अजरतु मुहम्मद, मैंने मोहम्मद को पनाह दी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आज से अगर कोई इनको जो है वो नुकसान पहुंचाएगा तो मैं उसका मुकाबला कर दूंगा। फिर कुछ अर्सा इस तरह गुजरा, आखिर हिजरत का हुक्म आ गया और नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम को हिजरत का हुक्म दे दिया, और वो मदीना मुनव्वरा चले गए एक एक करके, यसरिब उस वक्त नाम था। और जब सब लोग हिजरत करके चले गए तो आखिर में नबी अलैहिस्सलाम ने, जबकि मक्का में 13 साल गुजर चुके थे, आपने अबू बकर सिद्दीक को पैगाम भेजा कि हिजरत का हुक्म आ गया है और वो ऊँट तैयार रखना और मैं किसी भी वक्त आ जाऊँगा। चुनाचे मशहूर वाक़ा है कि रात को अली मुर्तज़ा को बाहर एक कुफार का पैरा था, अबू लहब, अबू जहल और बड़े बड़े उतबा, शहबा, जो भी बड़े बड़े सरदार थे वो तमाम मौजूद थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने सूरह यासीन पढ़ते हुए वो मट्टी जो है वो उठाई
और वहाँ से निकल के बारह की एक तफसील तरफ भागे, तो फिर आप अबू बकर सिद्दीक के पास पहुँचे। अली मुंतजा जो है उन्होंने आपकी जगह कुछ रात बसर की और सुबह अमानत हवाले की, और अमानत हवाले करने के बाद उधर अबू बकर सिद्दीक के साथ नबी अलैहिस्सलाम हमारे सौर में पहुँचे, तीन रात तक वहाँ कयाम किया और उसके बाद वो आगे बढ़े। आपके साथ अब्दुल्ला बिन उरैक थे, जो रात उठाने वाला था वो भी गैर मुस्लिम था। तो फिर मदीना पहुँचे और चूँकि ये लंबी तफसील तरफ बातें हैं, मदीना में जब आप आए हैं तो कुबा में आपने क़याम किया और वहाँ पर मस्जिद तामीर की, और उसके बाद जो है आप जब मदीना आए बनी अम्र बिन औफ ने पहले क़याम किया, फिर मदीना पहुँचे हैं और मदीना में फिर वो तफसीलात हैं, अब उनका मौका नहीं है। तो बच्चियों ने जो इस्तकबाल किया, ताला अल बद्र अलैना मिन सनियात अल बदाई वजब शुक्र अलैना मदा लिल्लाह दाई अय्युल मबूस फीना जेता बिला मिन मुताई। और उसके बाद जो है मदीना में फिर आप देखते हैं कि मिसाक मदीना है, गज़वा बद्र है, फिर गज़वा उहद है, दो हिजरी फिर तीन हिजरी मदीना इन सरीदा फातिमा की शादी है, आयशा सिद्दीका की रुख्सती है, और फिर जैसे बात धीरे जो आपने शादियाँ की हैं मुख्तलिफ बेवा और मुतलका खवातीन से मुख्तलिफ कबाइल से ताल्लुकात के लिए, तो कम अज़ कम 11 अज़वाज और बाकी सैयदा मारिया चुकिया, और फिर गज़वा उहद में 70 शहीद हुए, फिर गज़वा आज़ाद है 5 हिजरी में ज़िलक़ादा में तमाम अरब इकट्ठा हो गया, तो फिर अल्लाह ने आंखी चलाई, वो मशहूर बात याद है जिनकी तफसील की ज़रूरत नहीं है इस पर क्योंकि वक्त नहीं है। तो गज़वा आज़ाद के बाद 6 नबवी में आप उमरे के लिए गए लेकिन नहीं करने दिया गया, तो गए थे रिजवान 1400 सहाबा के हमरा, और उसके बाद सुलह हुदैबिया हुई, और फिर 7 हिजरी में आप उमरतुल क़ज़ा के लिए गए हैं, 7 हिजरी या मुहर्रम 7 हिजरी में फतेह खैबर है, और फिर उमरतुल क़ज़ा के बाद आप फिर मदीना तशरीफ लाए हैं। इसी दौरान खालिद बिन वलीद और अम्र बिन आस और मुआविया बिन अबी सुफयान रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन और बहुत सारे मुसलमान हुए, तो खालिद और अम्र बिन आस जब मदीना आए तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रमत मक्का तो बे अफना से अकबाहा, मक्का में आज अपने कलेजे के टुकड़े हमारी तरफ फेंक दिए, तो उनको बड़ा इज्जत एहतराम दिया। और फिर 8 हिजरी में फतेह मक्का है, आपके जो बड़े निवासे रदीक रसूल अली बिन अबी आस वो आपके पीछे सवार थे, और आप जब मक्का में दाखिल हुए तो उन्होंने पूछा क्या सलूक करने वाले हैं, तो उनने कहा अकूस करीम और वक्त आखिर करीम, आप भतीजे और भाई जो है मेहमान है, तो आपने फरमाया अल्लाह तशरीफ आ रही तुम जो हाल तुम को रखा, आज तुम पर कोई गरीब नहीं, तुम लोग आज़ाद हो। और फिर फतेह मक्का के बाद जो है वो आगे 9 हिजरी में तबूक का सफ़र है, फिर आप देखते हैं कि 10 हिजरी में ये हजरतुल वदा है, और हजरतुल वदा का मशहूर खुतबा है जिसके अब पूरा बयान करने का मौका नहीं है। तो आपने 9 हिजरी में अबू बकर सिद्दीक को अमीर हज बना के भेजा, पीछे अली मुर्तजा को तौबा की आयात देकर भेजा जो ये सुनाना है, और हजरतुल वदा में फिर जहाँ और बहुत सारी बातें थी औरतों के हुकूक गुलामों के हुकूक, वहाँ ये भी आपने फरमाया एक खुतबे ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है अंसारी से कि आपने फरमाया अय्युहन नास इन्ना रब्बकुम वाहिद वअन्ना अबाकुम वाहिद ला फर्क़ लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी वला लिअहमर अला असगर वला लिअसगर अला अहमर इल्ला बित्तक्वा इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अत्ताकुम। बयहकी की दलाइल रुकुआ मुस्लिम अहमद में है हदीस और दीगर हजरत वदा का खुतबा भी कि लोगो तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप एक है, और एक दूसरी जगह बताया कुल लोगों ने आदम और आदम और मिलतरा तुम सब आदम की औलाद और आदम पति से बने, और फिर फरमाया किसी अरबी को अजमी और अजमी को अरबी पर, सुर्ख को सफ़ेद को काले स्याह पर, काले स्याह को सुर्ख को सफ़ेद पर कोई फजीलत नहीं सिवाय तकवा के, अल्लाह के नज़दीक तुमने से ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो ज़्यादा मुतकी परहेज़गार है। और फिर तफसीलात आला हल तक तो क्या मैंने पहुँचा दिया, तो फिर कहा कि उन्होंने सहाबा ने कहा भला या रसूल अल्लाह आपने पहुँचा दिया, आपने फरमाया फल जो बन जाती शाहिद ग़ाइब जो मौजूद है वो गैर मौजूद को पहुँचा दे, तो ये उम्मत के लिए जो कुछ सुनो नबी अलैहिस्सलाम से कुरान से इस्लाम से उसको आगे पहुँचाओ। तो इसके बाद आप मदीना तशरीफ लाए, 19 सफर को तकरीबन आपको जो है वो आखिरी जो आपकी बीमारी है शुरू हुई, तो फिर रबी अव्वल के शुरू में मशहूर तारीख 12 रबी अव्वल है, लेकिन उसमें कुछ इश्कालात हैं कि पीर का दिन जो है वो बनता है या नहीं बनता, विलादत में भी और वफात में भी रबी अव्वल के इत्तेफाक है,
लेकिन कुछ इसका आधार ऐसा है, ये तकनीकी बातें हैं जिनकी तफसील आप बयान करना मुश्किल है, लेकिन उनसे आपने जो है 12 रबी अव्वल है, तो आप आखिर में भी आप तमाम अजवाज से इजाजत लेकर उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के घर मुंतकिल हो गए और कहा अबू बकर से कहो के लोगों को नमाज पढ़ाए। चुनाचे एक दिन जो है उन्होंने देखा तो सहारा लेकर आए और अबू बकर सिद्दीक के बराबर बैठ कर आपने नमाज अदा की, और उसके बाद जिस रोज आपका इंतकाल हुआ है पीर का रोज था, और चूंकि उस रोज आपकी तबीयत बेहतर हो गई थी, तमाम लोग मशहूर रिवायत के मुताबिक इजाजत लेकर जा चुके थे। उस वक्त ज़्यादा मशहूर रिवायत के मुताबिक दोपहर के बाद जब सूर्य ढलना शुरू हुआ तो आप जो है आपने कहा अल्लाहुम्मा और रफ़ी का लाला या फिर रफ़ी की लाला है अल्लाह रफ़ी के आला, या ये कि रफ़ी के आला में यानी होकर अल्लाह के दुआ रहमत में, और उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है कि आपका सर जो है वो कहा था मैं सहनी बना दी, मेरी गर्दन और मेरे सीने के दरमियान था, तो आपका हाथ जो है दस्त मुबारक नीचे आ गया और आपका इंतकाल हो गया। तो बाकी वो मशहूर वाक़ियात हैं वो कल की खिलाफत के मौके पर अबू बकर सिद्दीक़ के हवाले से बयान होंगे। उम्र फारूक और बाकियों को यकीन नहीं आ रहा था तो अबू बकर सिद्दीक़ मदीने से बाहर कुल 3% उनकी जोजा हबीबा बिन्त खारिजा का घर था, वहाँ से आए सीधे हुजरा आयशा में गए और कहने लगे, रोने लगे, आपके चेहरे पे गोसा दिया और कहा कि तिक्का हयन और तिक्का हयन, आपकी जो है वो ज़िंदगी और ज़ाहिरी वफ़ात जो है वो दोनों अजीम शान पाकीज़ा है, और साथ कहा नहीं अजमा अल्लाह वाले कर मौत गए नकार पर दो वफ़ातें जमा नहीं करेगा, इतना हाथ एक मौत अकल्ला की मिलता यही जो ज़ाहिरी वफ़ात थी जिससे आप गुजर गए और बाहर निकल के उनके तारी उल्लास मन का नया मोहम्मद मोहम्मद सरबार, लोगों जो मोहम्मद सल सलम की इबादत करता था यकीन दिला रहा था तो उनका इंतकाल हो गया। मन का नया फल अल्लाह है जिंदा नहीं, जो अल्लाह की इबादत करता था तो अल्लाह जिंदा है उसके लिए वफात नहीं है। और साथ ही आयत पढ़ी ममा मोहम्मद ने का रसूल कद फलक से फल रसूल अब है मा का होकर रन फलक तुम अल्लाह आफाकिकुम पूरी आयत कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, इनसे पहले भी रसूल जो है वो गुजर चुके हैं, अगर ये शहीद कर दिए जाए या वफात पा जाए तो क्या तुम उनके कदमों गिर जाओगे। तो इसके बाद लोगों को यकीन हो गया और उन्होंने कहा कि लगान आया था नजर अतिलान कि हमने सदे लगाना नजर अतिलान कि गोया कि हम भूल ही गए थे ये आयत गोया हमें लगा आप नाजिल हुई है। पांच रिवायत का आपने ये भी पढ़ाई में कमाई है तुम्हारी कमाई को कि आपको भी वफात आएगी और इन सब को भी वफात आएगी। जाहिर ज़ाहिरी तौर पे अम्बिया का मुकाम बहुत बुलंद है उसकी तफसील से किसी को इनकार नहीं, लेकिन ज़ाहिरी जो कवायद है उनके मुताबिक। और फिर ये मसला हुआ कि आपको दफन कहाँ किया जाए तो किसी ने कहा जन्नतुल बकी किसी ने कहा मक्का, तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है माँ कबर जन्ना हो नबी ने कहा तुम बहुत इंदर यहाँ पर लुफ़ा की अल्लाह नबी को उसी जगह वफात देता है जहाँ वो उसका दफन होना पसंद करता है या वो यानी नबी खुद अपना दफन होना पसंद करते हैं खुद फलू उसकी बहुत एक राशि इनको इनकी वफात की जगह पर जो है वो दफन करें। अली मुर्तज़ा हज़रत बिन अब्बास अब्बास बिन अबली बिन औस और उसामा बिन ज़ैद इन लोगों ने गुस्ल दिया और बाद रिवायात मुताबिक दो रातों दो दिन के बाद मंगल को और बाद रिवायात मुताबिक बुध के दिन जब सब ने पहले मुहाजरीन ने मर्दों ने फिर अंसार ने फिर अहले मदीना बाकी ने पहले मर्द फिर ख़वातीन फिर बच्चे सब ने ज़ियारत कर ली और आपका चेहरा मुबारक देख लिया और अबू बकर सिद्दीक़ उम्र फारूक सबसे पहले दाखिल हुए अस्सलामु अलैका या नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा इन्ना नशहदु अन्नहु कद बल्लगा रिसाला वनसह लिउम्मति ही इस तरह के अल्फाज है, हम गवाही देते हैं कि उन्होंने रिसालत पहुँचा दी और उन्होंने उम्मत की खैरखाई कर दी और तफसीलात और लोग पीछे आदि नामी कहते थे तो हुजरे में जितनी गुंजाइश थी टोलियों में चलते रहे, जब ये सब सिलसिला खत्म हो गया तो आपकी तफसील अमल में आई और आप जो है वो रोज़ा रसूल बना हो आपका हुजरे आयशा सिद्दीका फिर उसी में अबू बकर उमर जो है उनकी वफ़ात हुई। अगर वक्त जाता होता तो हम ज़्यादा तफसील में जाते लेकिन चूँकि वक्त ख़त्म हो चुका है इसीलिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद वाला आले सय्यिदिना मोहम्मद व सहाबी अजमईन वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कल इंशाअल्लाह ताला सीरत कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन होगा और दो सेशन होंगे, पहला सेशन 5:30 बजे सपहर खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
سیرت سے خلافت، تو محترم ڈاکٹر مدن معین صاحب بھی اس پہ اظہار خیال فرمائیں گے، اور دوسرا سیشن بعد از نماز مغرب 7:30 بجے شروع ہوگا، اور موضوع ہے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیرت سے خلافت، جناب ڈاکٹر مدن معین صاحب بھی اس میں بھی اظہار خیال فرمائیں گے۔ دوستوں سے اپیل ہے کہ بر وقت تشریف لائیں اور بھرپور تشریف لائیں، اپنے دوستوں سے بھی کہیے گا۔ میں صدارتی کلمات کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب آفر عمران بشیر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور صدارتی کلمات پڑھ رہے ہیں۔ جناب آفر عمران بشیر صاحب، سعادت ہے
ऐसे इल्मी आदमी और माशाल्लाह गिरफ्त रखने वाले तारीख के ऊपर बड़ी मैं दिल तौर पर यकीन करें मुतासर हुआ और खुशी हुई माशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कदरदानी की तौफीक दे, जिसमें शिरकत फरमा कर भरपूर फ़ायदा भी उठाएँ। और दूसरी आखिरी मैं गुजारिश करना चाहूँगा, मंगल और बुध के दरमियानी रात शब बारात आ रही है, उसके अंदर हमें तीन तरह की जमातें या लोग मिलेंगे। एक तो वो जो सिरे से इसका इनकार कर रहे हैं, और एक वो हैं जो इसी को सब कुछ समझ रहे हैं कि बस शब बारात को पूरा कर लो और इसको कीमती बना लो फिर पूरा साल छुट्टी। तो ये दोनों चीज़ें गलत हैं। दरमियानी रात ये मिलती है, फारसी का शेर है, हर शब शब कदर बूद कर कदर बूद, हर रात ही शब कदर बन सकती है अगर कोई कदरदान मौत हो, और ना कदरी इंसान के लिए तो शब कदर भी बेकदर है। तो बड़ी कीमती रात है, जिसे पाक में आता है कि जिसने पांच रातों को जिंदा कर दिया उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, उसमें से ये शब बारात का भी तस्करा है। छोटी ईद और बड़ी, और बड़ी ईद के मुतल्लिका जो मुत्तसिल दो रातें हैं उसका तस्करा है, और तीसरे नंबर पे चौथे पांचवें नंबर पे इस ईद का इस रात का तस्करा है, जिसे हम शब बारात कहते हैं, जो मंगल की मगरब से शुरू हो रही है। उसमें अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब ये रात आ जाए तो तुम लैलहा वसूम नहारहा, इसमें अल्लाह तौफीक दे तो रात को क़याम करो और दिन में इसका रोज़ा रखो। और अल्लाह ताला आम रातों में तहज्जुद के वक्त अपना नज़ूल फरमाते हैं और ख़ास रहमत नाजिल होती है, लेकिन जो ख़ास रातें हैं इसमें मगरब से ही ये रहमतें और बरकतें उतरना शुरू हो जाती हैं। इसमें एक हदीस में आता है कि वलिल्लाहि फीहा वतफ़ाउन मिनन्नार बिअददी शुऊरि ज़नम कल्बिन, बनकल्ब बड़ा मशहूर कबीला था अरब के अंदर, उसकी बकरियों के बालों के बकदर फरमाया अल्लाह लोगों को जहन्नम से बरात अता फरमाते हैं। लेकिन कुछ अफराद की अल्लाह के महबूब ने इस्तिस्ना फरमाया और मुस्तस्ना फरमाया कि कुछ कम नसीब ऐसे हैं जो इस रात में भी बरात हासिल नहीं कर पाते। शब बारात, बारात माना बरी, शब फारसी का लफ्ज़ है, रात को कहते हैं कि बरी होने वाली रात, क्योंकि इस रात में अल्लाह की तरफ से अजीब निज़ाम चलता है। हदीस में आता है कि तुख्ताउल आजादु मिन शाबान इला शाबान हत्ता अन्न रजुल लयनकिह व युलदु लहू व क़द ख़रज इस्मुहु फिल मौता, इसमें मौत के फैसले हो रहे होते हैं। कोई आदमी अपनी शादी की तैयारी कर रहा होता है, वो खुशियाँ मना रहा होता है, और कोई शख्स अपनी औलाद की खुशियाँ मना रहा था कि रब ने मुझे औलाद अता फरमाई, तो किसी खुशी में, लेकिन फरमाया वक़द ख़रज इस्मुहु फिल मौता, नाम उसका मुर्दों की फहरिस्त में आ चुका होता है। तो पता नहीं मेरा आपका कब पत्ता झड़ जाए, पिछले साल ही झड़ चुका है या इस साल में फैसला उतरना है। वैसे तो रब की तरफ से फैसले हो चुके हैं, नीचे फैसले जो नाजिल होने हैं, फरिश्तों को जो ड्यूटियाँ मुकर्रर होनी हैं। इसलिए हदीस पाक में आता है कि इस रात के अंदर अल्लाह ताला सबकी बख्शिश फरमा देते हैं सिवाय चंद लोगों के। उसमें सबसे ज़्यादा जो ताकीद आई है, तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर भी रिवायत मौजूद है, ला यंज़ुरुल्लाहु फ़ीहा इला मुशरिक वला इला मुशाहिन वला इला क़ाति रहिमिन वला इला मुस्बिलिन वला इला आक़िल लिवालिदै वला इला मुस्बिलिन वला इला ज़ानियतिन बिफ़र्जिहा। मुख्तलिफ़ अल्फाज हैं, उसमें सबसे पहले जिसका तज़किरा है वो शिर्क करने वाले की इस रात में बख्शिश है। अल्लाह ताला हम सबको शिर्क से भी बचाए, और आगे जो बीमारियां जिक्र की गई हैं, घृणा रखने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला, दिलों में नफरत रखने वाला, ऐसे अफराद की भी इस रात में बख्शिश नहीं है। अल्लाह का वास्ता है हम अपने सीनों को पाक और साफ करें। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने बड़ी फजीलतें बयान की हैं, बड़ी खुशखबरियाँ सुनाई हैं ऐसे अफराद के लिए जो अपने सीनों को पाक और साफ रखते हैं। तो अपने आप को, दिलों को पाक और साफ कर लें। रमज़ान मुबारक की खूब रहमतें बरकतें, और इस रात की रहमतें बरकतें, और शब कदर जो आने वाली है उसकी रहमतें बरकतें सब इंसान ढूंढ लेते हैं सिवाय चार अफराद के। अल्लाह का वास्ता है कम अज़ कम हम चार उन बीमारियों से अपने आप को बचाने की नीयत फरमाएं। अगर वाकईतन रमज़ान की कदरदानी करना चाहते हैं और रमज़ान की रहमतें बरकतें लेना चाहते हैं, तो हमारा जो हर जुमे को दर्स होता है, इस वक्त आज चूँकि हमारे मोहतरम मेहमान तशरीफ़ लाए हुए हैं इसी पे इक्तफा करते हैं, तो अगले जुमे को इंशाल्लाह 7:30 बजे के करीब हम कोशिश करेंगे कि अपना दर्स शुरू करें, और चार व
वो गुनाह जिससे हमने अपने आप को पाक करना है, क्योंकि रमज़ान से पहले हम दो ही दरस आएंगे, तो रमज़ान को कैसे कीमती बनाना है उस हवाले से बड़ी अहम गुजारिश अर्ज करेंगे। आप तमाम अहबाब खवातीन से मर्द हजरात से गुजारिश है कि मगरिब के मुत्तसिल ही तशरीफ लाने की कोशिश करें, ताकि 7:30-7:45 के दरमियान हमारा दर्स शुरू हो जाए और वक्त पे ख़त्म भी हो जाए, 8:30 वक्त ख़त्म करने का है, तो उसमें ताकि हम इस रमज़ान को जो रब का मुतालबा मकसूद है रोज़ा हमारे आपके ऊपर फ़र्ज करने का, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि हमें तकवा नसीब हो जाए और परहेजगारी नसीब हो जाए, हया नसीब हो जाए, वो हम सबको नसीब हो जाए, उसके लिए मैं तमाम अहबाब से दरख्वास्त करता हूँ कि दो जो जुम्मे का दर्स हमारा बाकी रह गया इसमें भरपूर खुद भी शिरकत फरमाएँ, बर वक्त खुद भी तशरीफ लाएँ, दूसरों को बुलाने की कोशिश फरमाएँ। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वल मलाइकतिल मुकर्रबीन। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين। اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ امت کے سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے ہماری حالتوں پہ رحم فرما دے، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں پہ رحم فرما دے، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں یکجہتی عطا فرما، یا اللہ ہم ایک ہیں ہمیں ایک بننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ میرے ہم سب کے آقا غیروں کو اپنا بنایا کرتے تھے ہم الٹی روش پہ چل پڑے ہیں، اللہ ہم اپنوں کو بھی غیر بنا رہے ہیں، یا اللہ ہمیں اس نفرتوں سے نکلنے کی توفیق عطا فرما، محبت مودت الفت عطا فرما، اللہ دنیا کی تھوڑی سی گرمی یا تھوڑی سی سردی دونوں میں سے کوئی چیز بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یہاں بھی ہمیں عافیت عطا فرما اور آخرت کی بھی گرمی سردی سے محفوظ فرما، اے اللہ جتنی خیریں تیرے محبوب نے مانگی ہم سب کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہم سب کو پوری امت کو پناہ نصیب فرما، اے اللہ حضور کی سیرت مبارکہ اور خلفائے راشدین کی سیرت مبارکہ جو سلسلہ شروع کیا ہے، اے اللہ ہم سب کو یہ سن کر اور اس روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، صلی اللہ علیہ نبی کریم وعلی آلہ وصحبہ وامتی اجمعین۔ ابھی نماز نیچے مسجد میں ادا کریں گے اور جو دو سوال جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ تشریف رکھیں، موضوع کیا نماز کی نماز کی بات کے بعد نماز کے بعد اگر لائٹ آپ نماز اچھا 9 بجے کچھ وہ چاہ رہے ہیں سوال دوست ابھی لائٹ کا بھی مسئلہ بتاؤ دوست کہنا چاہیے کر سکتے ہیں سوال پھر دوست بیٹھ جائے پھر نماز پڑھ لیتے ہیں نماز ٹھیک ہے۔